राम सेतु की तलाश में हमारी बोट पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। हम फिलहाल श्रीलंका के समुद्री इलाके में थे, लेकिन भारत यहां से दूर नहीं था। इसी दौरान हमारी नजर एक द्वीप पर पड़ी। द्वीप हम लोगों को यहां से नजर आ रहा है, आइलैंड नजर आ रहा है। अशोक जी, इसके बारे में कुछ जानकारी? ये रामपलम यानी कि रावण, जब रावण के ऊपर जो राम जी ने चढ़ाई करी, तो ये उनके जब कदम पड़े तो ये धरती भी उनके नाम से जानी जा रही। आज भी रामपलम, यानी कि चलिए तो रामपलम पर आपको लेकर के चलेंगे। चारों तरफ समंदर का पानी और बीच में हमारी बोट। हम इस उम्मीद के साथ रामपलम द्वीप की ओर बढ़ रहे थे कि आपको समंदर के अंदर छिपा राम सेतु दिखाया जा सके। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु के रास्ते में 6 द्वीप आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ये 6 द्वीप दरअसल पुल के पिलर का काम करते थे, यानी इन्हीं द्वीपों पर से सेतु गुजरता था। खैर, अब पानी धीरे धीरे कम होने लगा था, देखा जाए तो 2.5 फीट से ज्यादा बिल्कुल नहीं। और आखिरकार हम पहुंच गए रामपलम द्वीप पर, यानी समंदर के पानी के अंदर मौजूद उस राम सेतु पर, जिसे आपने अब तक सैटेलाइट के जरिए भेजी गई तस्वीरों से ही देखा है। हमने 2 द्वीप क्रॉस कर लिए हैं और अब हम रामपाला द्वीप पर हैं। हम इस वजह से उतर रहे हैं, बाकी पर इस वजह से नहीं उतरे क्योंकि उनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं। लेकिन इस द्वीप के बारे में जानकारी सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इसका नाम भगवान राम के नाम पर, नाम पहले एक बार अशोक जी बता दीजिए। रामपलम। और क्यों इसको कहा जाता है रामपलम? हाँ, ये जो यहाँ के स्थानीय निवासी है, जहाँ जो लोग हम लोग तलाई से मनार तक आए हैं, मनार के जो लोग हैं, तलाई के लोग हैं, वो आज भी इस ऐतिहासिक तथ्य के साथ में अपनी यादों को आज तक संजोए हुए हैं। रामपलम मीन्स आज भी वो लोग याद करते हैं कि ये राम जी द्वारा ही बनाया गया सेतु है। तो क्या हम इस द्वीप को इस सेतु का पार्ट माने या फिर ये द्वीप अलग है और सेतु सर देखिए, आप यहाँ से गहराई आप देखिए, अनंत भाई दिखाएंगे, देखिए ये देखिए कितने आसपास के अंदर में, जहाँ हम वहां से आए हैं जहाँ भारतीय क्षेत्र शुरू होता है, यहाँ हम अभी फिर पीछे आ गए हैं उससे 2 किलोमीटर। नहीं देखिए, यहाँ से हम फिर अगर हम वैसे चलेंगे तो वहां से उस तरफ जाएंगे, वो सबसे आखिरी द्वीप माना जाएगा। तो अगर इसके बीच की हम पानी की गहराई माने तो क्या ऐसी तो नहीं है कि हम पैदल चल सके? नहीं, चल सकते सर पैदल, ज्यादा गले तक होएगा बीच में, जो जहां तक चलते चलते आप जाएंगे ना, थोड़ी सी दूर तक आप जाके, क्योंकि जब कमर के ऊपर पानी आ जाता है ना, कमर के ऊपर पानी आता है फिर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं तो आप आसानी से चल सकते। तो क्या हम ये कह सकते हैं अशोक जी कि इस पूरे में जहां से तलाई से हमने शुरू किया और लास्ट अगर हम जाकर देखेंगे वहां तक पानी बहुत कम है और ऐसा है कि पैदल चल के जाए? अभी आप देखिए, जब हमारी बोट यहां पर लैंडिंग की है तो जो उसका इंजन है, जो पंखा है, वो बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा था, यानी कि इतनी डीप कम है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर जब सेतु समुद्र को तोड़ने की कोशिश की गई थी तो ये यही कोशिश की गई थी कि यहाँ की गहराई को बढ़ा दिया जाए। चलिए, वैसे इस जगह के बारे में हम आपको एक बार फिर बता दें कि जब हमने पहला अटेम्प्ट किया था यहाँ पर, और यहाँ से जब हम बीच समुद्र में एक बार अनंत जरा उस जगह को दिखा दीजिए, पहुंचे थे अचानक, हमारी बोट बंद हुई थी और फिर उसके बाद उस बोट में आग लग गई थी और तैरना आता नहीं था लेकिन फिर भी जान बचानी थी तो पानी में कूदना पड़ा था। पर मैंने सोचा नहीं था क्योंकि कैमरा चला गया, उसके अंदर की रिकॉर्डिंग चली गई, मुझे यकीन नहीं था कि हम दोबारा से फिर यहाँ पर आएंगे और इस तरीके से चीजें आपको दिखा सकेंगे। लेकिन सब लोग थे, सबने आपस में हिम्मत बंधाई, फैसला किया कि नहीं, एक ऐसी अद्भुत जगह जो कि अब तक छिपी हुई है, ये आइलैंड जो कि अब तक लोगों के सामने कभी नहीं आए, जो कि राम सेतु का एक हिस्सा है, उन तक लोगों को पहुंचाया जाए, न सिर्फ लोगों को बल्कि दोनों देशों की सरकारों को भी ये तस्वीर दिखाई जाए कि देखिए अगर आप चाहें तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है, पानी बहुत कम है इस रास्ते में और मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से, इतना तो मैं नहीं कहूंगा कि चाहें तो पैदल चल के आप पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी पानी इतना है कि एक अच्छा तैराक तो यहां से और भारत तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। बिल्कुल। और जो कल देखिए, जब हमारे साथ में घटना हुई है, हम एक ही नाव के अंदर में सवार थे, लेकिन जब एक पल के अंदर में जब ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं अपने सामने तैरते हुए अनंत भाई को देख रहा हूँ, मेरे से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पे थे, तो वो कैमरा
पकड़े हुए थे हाथ में, फिर भी उनके दिल के अंदर में इतने गट्स थे कि अशोक भाई मेरा कैमरा सेफ है, मैं देख रहा हूँ और मेरे पाँव में आग लगी हुई है पूरी। आप देख उस वक्त आपको मालूम है कि हमारी स्थिति क्या थी, और हम पानी डालने की कोशिश कर रहे थे नाव के अंदर में, लेकिन उस टाइम पेट्रोल इतना था, जब पानी डाल रहे थे वो पेट्रोल ऊपर आके और भी आग लग रही थी उसके अंदर में। जब एकदम हमारी स्थिति बेकाबू हो गई तब आपको भी कूदना पड़ा, मेरे को भी कूदना पड़ा, अनंत भाई को कैमरा लेके कूदना पड़ा। तो उसके अंदर में हमारी कल जो इतना कठिन प्रयास किया था, हमने बहुत अच्छा एक प्रयास किया था राम सेतु का, एक पहली बार एक दुर्लभ सीन आपके बीच में लाने की प्रयास किया था, लेकिन आज फिर आपने देखिए 24 घंटे के अंदर फिर भी आप नॉर्मल होके फिर इसके ऊपर। अनंत भाई आप, राहुल जी बहुत धन्य है आप। तो कोशिश हम बार बार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अगर मिलकर चाहें तो तस्वीर बदल सकती है, और हमने दिखा भी दिया कि देखिए बहुत ज्यादा मेहनत तो करने की जरूरत नहीं। चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इस ट्रिप पर तो इस राम सेतु को तो निश्चित तौर पर इस जगह पर चलेंगे और लोगों को चल के दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि देखिए कितना। ये देखिए एक दूसरे का पहाड़ आपस में देख लीजिए, अगर हम सीधे जाएं देख लीजिए, सीधा भी जा सकते हैं, जहां पर हमारी नजर काम करती है हम तकरीबन 1 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं हम ऐसे ही चलते चलते श्रीलंका के अंदर ही पहुंच जाएं। तो मैं तो कहता हूं कि ये क्षण बहुत जल्दी आए कि हम पैदल चल के एक दूसरे के यानी कि दोनों लिंगों के दर्शन कर सके, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सके, रामेश्वरम के और केतुेश्वरम के। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, हम आपको बता दें कि जब हम श्रीलंका से चल रहे हैं और भारत की सीमा तक पहुंच रहे हैं, ये जो 6 द्वीप है ये इतने करीब ये 6 के 6 द्वीप है कि अगर इसी तरीके का रेत बिछा दिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर समुद्र था, ऐसा लगेगा कि ये सड़क ही थी। बिल्कुल, आप जहाँ तक आपकी नजर देखिए काम करती है, तकरीबन मानव की जो आंख है वो तकरीबन तक अच्छे तरीके से जो फोकस करती है 1 किलोमीटर तक देख सकती है। और ये सामने क्या है? ये सामने एंटीना लगा के रखा है। अच्छा ये तो उसको लेकर लगा के रखा है। चलिए एंटीना लगा के रखा है और इसके लिए कि अगली बार कोई ऐसे सिग्नल मिले। हाँ जी। और हम तो यहाँ से सिग्नल सिर्फ इतना देना चाह रहे हैं कि देखिए राम सेतु है और इसके लिए कुछ कीजिए, बार बार कह रहे हैं कुछ कीजिए, और न सिर्फ सरकार से कह रहे हैं बल्कि लोगों से भी कह रहे हैं, श्रीलंका और भारत के लोग चाहें। और देखिए तो यहाँ आप दिखाइए, दूसरी तरफ भी आप देखिए, जो एक तरफ से लेके जो दूसरे हिस्से का है, तकरीबन जहां से 200 आदमी एक साथ गुजर सकते हैं, बिल्कुल आराम से गुजर सकते हैं, आराम से 200 आदमी गुजर सकते हैं। तो देखिए जहां तक हमारी नजर काम करती है पूरी मिट्टी है इसके ऊपर और ठोस है, कोई मैं नंगे पांव पे चल रहा हूं बिल्कुल कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। तो दूसरा आइलैंड है जो इसके बाद वाला जो भारत के तरफ से लास्ट है, यानी कि अच्छा अगर पंपावन से हम आते तब भी हमें इसी तरीके के आइलैंड देखने को मिलते हैं। हाँ भारत की तरफ से 8 है, श्रीलंका की तरफ से 6 है। 6 है तो चलिए 8 पिलर एक्चुअली में जो बहुत टेक्निकल काम हुआ है राम सेतु के ऊपर, ये सी पिलर थे और सी पिलर के साथ में रेत इकट्ठी होती गई, आज इन्होंने आइलैंड का एक रूप ले लिया रेत के कारण। चलिए तो आगे चलते हैं, आखिरी आपको पड़ाव तक लेकर चलेंगे, आखिरी द्वीप तक आपको लेकर चलेंगे और कोशिश रहेगी कि आपको वहां से भारत की सरहद दिखाएं और बताएं कि देखिए कितना आसान है, मुश्किल नहीं है राम सेतु का सफर। हालांकि हमारे लिए तो मुश्किल तो था राहुल जी, मुश्किल भरा हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन जब कहते हैं ना मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके प्रयास में दम हो। बिल्कुल मंजिलें उनको मिलती है, जो मंजिल आज हम इसलिए पाई है, देखिए कल हमारा प्रयास था कितना भयानक सीन हुआ लेकिन फिर भी आज आपने मंजिल को पा लिया, तो मंजिलें उनको मिलती है जो बिल्कुल प्रयास करते हैं। चलिए तो आपको उस आखिरी पड़ाव तक लेकर चलेंगे राम सेतु के, श्रीलंका की तरफ से, और दिखाएंगे भारत की तरफ से तो आपने कई बार पंपावन तक देखी हुई है तस्वीरें, लेकिन श्रीलंका की तरफ से ये पहली तस्वीरें पहली बार टेलीविजन में आपके सामने आ रही हैं। चलते हैं अब आखिरी द्वीप की तरफ और वहां से देखते हैं कि हमें क्या कुछ दिखाई देता है, क्या कुछ मिलता है राम सेतु से जुड़ा हुआ। लेकिन हम बढ़ रहे थे अपने आखिरी पड़ाव पर, यानी इस रास्ते में मौजूद 6ठे और आखिरी द्वीप पर। आइलैंड के करीब पानी लगातार कम होता जा रहा था, लेकिन तमाम जोखिम के बावजूद हम वहां पहुंच ही गए। चलिए तो हम आखिरकार इस आखिरी द्वीप पर पहुंच गए, इससे आगे हम आपको लेकर के इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि आगे श्रीलंकन नेवी का कैंप है और उसके बाद दिखाई देती है भारत की सरहद। लेकिन इस आखिरी द्वीप पर हम आपको लेकर आए हैं, राम सेतु का ये पड़ाव है और निश्चित तौर पर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा अनोखा सफर रहा है ये। देखिए अशोक जी सबसे पहले अंदर जैसे ही उतरे हैं सबसे पहले इस जगह को प्रणाम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शायद मुझे लगता है जो टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो वहीं से प्रणाम कर रहे होंगे क्योंकि
ये जगह अपने आप में अद्भुत तो है ही, अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए है। अशोक जी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, पर बस भारत सामने ही कहेंगे। ये देखिए, अभी आप बिल्कुल, मैं तो खुद इतना भावुक हो गया हूँ कि देखिए हमारी नाव अभी बिल्कुल भारत के जो द्वीप दिख रहे हैं, ये जो लास्ट चेक पोस्ट है वहां से अभी देखिए आप भारत की जो सरहद है शुरू हो जाती है, भारत की सरहद शुरू हो जाती है, यानी पंपावन वही उसी पंपावन शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद धनुषकोटी है, फिर रामेश्वरम है। तो देखिए वो बिल्कुल, अगर आप देखें वो जो बोट्स सामने आ रही हैं, उन बोट्स को के पीछे की तरफ आप जाएं तो जो आपको स्ट्रक्चर सा दिख रहा है, जो चीजें दिख रही है, वो भारत की है और भारत की धनुषकोटी, यानी एक रास्ता हमने आपको दिखाया राम सेतु का, किस तरीके से यहाँ पर 6 आइलैंड है उनको क्रॉस करके आप यहाँ पर पहुंचेंगे। अद्भुत अनोखा ये अनुभव है। देखिए ये 6 द्वीप पड़ते हैं रास्ते में और इनमें कहीं ना कहीं रामायण की हर कहानी कोई ना कोई जुड़ी हुई है। देखिए बिल्कुल, जहाँ देखिए इतने करोड़ों अरबों वानर्स में जो पहले आए होंगे, ये उन्होंने कितनी मेहनत की होगी यहाँ पर, कितना कुछ अरेंज करना, और सब अपने अपने कार्य में सक्षम थे, तो आज ये पहली बार ऐतिहासिक क्षण को देखने का मौका करोड़ों नहीं मेरे ख्याल में देश में बैठे हुए और विदेश में बैठे हुए बहुत से लोग इस बात पे खुश होंगे कि रामायण को सकारात्मक रूप में आज दिखाने का। देखिए कोशिश है और इस कोशिश में एक बार यकीन मानिए लग रहा था जान चली जाएगी, लेकिन बची तो फिर लगा कि दूसरी जिंदगी है, तो फिर उस पुरानी जिंदगी के अधूरे काम को पूरा जरूर कर लिया जाए। तो अब ये आप तय करेंगे कि ये काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी थी, श्रीलंका आए थे तो आपको कम से कम राम सेतु जरूर दिखा दें, अशोक वाटिका दिखाई थी, बाकी सारी चीजें दिखाई थी, लेकिन राम सेतु का जिक्र कभी हुआ नहीं था। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री अगर चाहें भारत के और यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्रीलंका में, तो एक रास्ता बन सकता है। रास्ता बहुत अच्छा होगा, बहुत छोटा होगा, और खास तौर से वो लोग जो कि रामायण में राम में आस्था रखते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। अशोक जी, मैं मेरे में एक अभी आया याद, एक क्षण आया कि हम लोग जैसे मैं आज पहली बार, मैं खुद इसमें पहली बार आया हूँ, मैं तलाई तक बहुत बार आया, तीसरा चौथा गेड़ा था मेरा तलाई तक जाके, लेकिन अभी जो आज मोदी साहब से आने से पहले एक वातावरण बना है उसमें ये बहुत सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं। एक प्रयास था, एक कोशिश थी दोनों सरकारों को बताने की, श्रीलंका सरकार और भारत सरकार को भी, कि आप लोग कुछ कीजिए, राम सेतु का अस्तित्व भारत में अगर लोग सिर्फ आस्था से जोड़कर देखते हैं तो यहां पर तो कुछ नजर आता है, अगर आस्था ही ना सही तो कम से कम एक रास्ता ही सही, उस रास्ते को बना दीजिए और बढ़ा दीजिए। अब चलिए वापस चलते हैं श्रीलंका की तरफ फिर से, क्योंकि हम आए श्रीलंका की तरफ से, भारत सामने है लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि पासपोर्ट चाहिए होता है, वीजा चाहिए होता है, और पासपोर्ट वीजा दोनों हमारा हमारे होटल में रखा हुआ है। चलिए, तो हमने आपको राम सेतु के दर्शन कराया, आखिरी पड़ाव तक आपको दिखाया, वो जगह जहां से भारत साफ दिखाई देता है, मैं और अशोक कैंत वहां तक गए थे, हमारी कोशिश थी कि आपको राम सेतु दिखाया, तो पहली बार हमने श्रीलंका की तरफ से राम सेतु को दिखाया है, जो श्रीलंका में लोग मानते हैं, जो श्रीलंका में टूरिज्म मिनिस्ट्री मानती है कि ये राम सेतु के द्वीप पड़ते हैं। चलिए, तो हमारी कोशिश थी, अब ये कोशिश आपको कैसी लगी ये आप ही बता पाएंगे। बहरहाल श्रीलंका से राम सेतु के हिस्से से अपने सहयोगी अनंत के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया।